नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। अमृतसर में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाले विभव कुमार की पुलिस सरगर्मियां भी तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि आरोपी के अमृतसर में छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मालीवाल के FIR दर्ज कराने के बाद में आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस की एक टीम विभव को तलाशती उसके घर पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिला था। इस केस को जांचने के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 17 मई को अपने साथ हुई मारपीट और बदसलूकी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर आरोप भी लगाए थे और जिसको लेकर अब FIR भी दर्ज कराई गई है। खबर फरीदकोट से है, जहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही। वीडियो में शरारती तत्वों द्वारा धारदार हथियार लहराए जा रहे और सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो भी पोस्ट किया जा रहा, जिससे दहशत भी फैलाई जा रही है, जिससे पुलिस की सख्त निगरानी के दावे फेल हो गए हैं। आपको बताते चले कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां पर धारदार हथियार लहराते हुए और सोशल मीडिया पर ये वीडियो किसी ने पोस्ट किया, जिसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर कुछ युवक धारदार हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले दरबार साहिब में माथा टेका, फिर आपको बताते चले कि दुरियाना मंदिर में माथा टेकने गए, जिसके बाद उन्होंने अमृतसर से लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में रोड शो किया। वहीं इस रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ता और शहरवासी भी मौजूद रहे। इस दौरान भगवंत मान ने लोगों से भी अपील की कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जिन लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं वो 25 मई को वोट जरूर करें। बठिंडा के गांव महिमा सरजा में बीबा हरसिमरत कौर बादल के चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं और सुखबीर सिंह बादल का किसानों की तरफ से काली झंडिया दिखाकर जबरदस्त विरोध किया गया है। इस मौके पर किसानों का भी कहना था कि उनकी तरफ से सुखबीर बादल को दो सवाल किए जाने थे, जिनके जवाब लेने के लिए वे समागम वाली जगह पर पहुंचे थे, परंतु सुखबीर बादल ने भी उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के मामले उस समय याद क्यों आते हैं जब वे सत्ता से बाहर होते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों का भी ये भी कहना है कि बीजेपी के साथ दोस्ती निभाने वाले समय क्यों आखिर शिरोमणि अकाली दल को मंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा याद नहीं आया। और साथ ही किसान मारू बिलों पर भी हस्ताक्षर करने समय शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के किसान क्यों याद नहीं कर रहे। आपको बताते चलें कि हरसिमरत कौर बादल का चुनाव प्रचार रहा, जहां पर प्रचार में पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला और किसानों ने भी यहां पर काले झंडे लहराते हुए नजर आए। हरसिमरत कौर बादल का चुनाव प्रचार लगातार जारी रहा और इस दौरान प्रचार में सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे और साथ ही वहां पर किसानों ने विरोध भी किया है और काले झंडे भी दिखाए हैं और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हरसिमरत अपने प्रचार में पहुंचे थे और इसी दौरान किसानों ने यहां पर काले झंडे भी दिखाए हैं। ਮਾੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ 25 ਸਾਲ 20 ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ
ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਚ पटियाला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महारानी परनीत कौर ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा हलके के आनंद नगर इलाके में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की ओर से दिए जा रहे भरोसे की ताकत से पटियाला की बेटी जिला का सर्वपक्षीय विकास करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 25 साल में जितना विकास नहीं हो सका है उतना विकास अगले 5 सालों में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित किया गया। पटियाला की बेटी सर्वपक्षीय विकास की भी बात कर रही हैं। लोकसभा हलका भटिंडा के गांव फूलू मिठी में बीजेपी के उम्मीदवार परमपाल कौर मलुका के पति गुरप्रीत सिंह का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है। गुरप्रीत सिंह चुनाव प्रचार करने भटिंडा पहुंचे थे। वहीं किसानों का भी कहना है कि बीजेपी किसानों की दुश्मन है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का वो इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। जो किसान मोर्चे वालों जो फैसला किया बीजेपी लोगों की कातल है, किसानों गड्डियां चलाने वाली है, असि तो विरोध करते हैं पर इतों की पुलिस है जी उ लोगों के बाद दबाव ला रही है। कल हरियाणा में खट्टर का काफिला लंघिया, हरियाणा की पुलिस ने कोई किसानों नहीं कहा पर इतों की जी पुलिस है वो लोगों को पुलिस ही दबा रही है। साढ़े घर तो साढ़े किसानों के पुतता पर जी बीजेपी की किसानों कतल करने वाली सरकार है, असि यहाँ विरोध करते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट, आई कैन मेक डोसास फास्टर, मस्ट बी जोकिंग। बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gaana download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Hamare zamane mein beti janme to matam hota tha. पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश समर्थन लेने बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर के कपूरथला दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पार्टी प्रधान मनोज कुमार नाहर ने बीजेपी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को सरोपा डालकर उनका स्वागत किया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने पंजाब लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब 13 और चंडीगढ़ 1 सीट के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी और साथ ही अम्बेडकर प्रधान मनोज कुमार नाहर से पार्टी समर्थन मांगा। वहीं बीजेपी केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर प्रधान मनोज कुमार नाहर को 2027 तक पंजाब विधानसभा में कुछ सीट देने का आश्वासन दिया है। मैं
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹ ਬਸਪਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। कपूरथला पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कपूरथला पुलिस ने धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामले को लेकर एसपीजी सरबजीत राय ने भी जानकारी देते हुए बताया कि सुल्तानपुर लोधी में एक अकादमी के मालिक को एक वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर से कॉल किया गया और मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाई और वहीं घटना का पता लगते ही पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 17 ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਿਆ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ। संगरूर में लटा कोठी के नजदीक बन रही सीमेंट फैक्ट्री का समाजसेवी सिखों ने विरोध किया है। वातावरण के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है और इसके साथ ही शहर में सड़कों को दिन पे दिन अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करके छोटा किया जा रहा है। वहीं शहर में हर जगह पर अक्षों को गैरकानूनी तरीके से पास भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जो एक बड़ा चिंता का विषय बना है, क्योंकि जो भी जगह कॉमर्शियल नहीं होती उसे कॉमर्शियल घोषित किया जाता है। बेसिक हाईलाइट इश्यूज हैंगे जी, इंडिया इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं शहर च, जिथे जी करदा है सरकारी लैंड दब के भी उत्थे भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊ ਕੀ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। मलेरकोटला धुरी रोड पर यात्रियों से भरी गाड़ी भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि संगत गाड़ी में करीब 20 यात्री सवार थे और कुछ यात्री गाड़ी के ऊपर भी बैठे हुए थे। हादसा इतना भयानक था कि लोग दूर दूर तक बिखर गए और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घायलों को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इलाज के लिए आपातकालीन वार्ड में भेजा है और 4 लोग अधिक घायल थे उन्हें पटियाला राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया है।
आपको बताते चलें कि हादसे में कई लोग घायल होने का मामला सामने आया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला मलेर कोटला का है, जहां पर यात्रियों से भरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मलेर कोटला का है। इस तरह अच कोई समा सवेरे 10 बजे के करीब सानू एक SOS कॉल आई सी किसी राहगीर की कि एक संगाला बस स्टैंड के उत्ते कोई पिकअप वैन का एक्सीडेंट होया। असी तुरंत अपनी जी एंबूलेंस जी उ रवाना की 108 ने भी हेल्प की, सड़क सुरक्षा दस्ता भी तकरीबन समा 10:15 के करीब पहली गड्डी साड़ी को जी पेशेंट लैके आनी शुरू हुई, तो 15-20 मिनट के असी कोई 20 जड़े पेशेंट जड़े आ सट्टा लगिया अटेंड किए हैं। उन्होंने 5 जड़े ने मेल ने, 6 फीमेल है, तो 3 जड़िया ने लड़कियां ने, 6 लड़के हैं, कुल 20 मरीज है। पूरा मामला मलेर कोटला का है, जहां पर एक हादसा हुआ है और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। यात्रियों से भरी गाड़ी का यह एक्सीडेंट हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर राहगीरों ने हादसे में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया और इस दौरान लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि मलेर कोटला से हैं, जहां पर सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद उनका इलाज भी लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट, आई कैन मेक डोसास फास्टर, मस्ट बी जोकिंग, बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चाचा, नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। सुल्तानपुर लोधी में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। माची जोहा रोड पर मोटरसाइकिल कार के गुजरने को लेकर दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के युवकों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी है। उधर जख्मी युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई है। आपको बताते चलें कि लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामूली विवाद को लेकर
दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जहां पर दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनसे पुलिस ने पूछताछ भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और इसको लेकर परिजन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची, उनके बयान को लिया है और बयान के आधार पर मामले को दर्ज कर जांच में भी जुट गई है। देखो, मैं 3 दिन बाद छुट्टी तो बाद आज हॉस्पिटल आया। मेरी रूटीन है कि रोज वार्ड का राउंड करना होगा। आज भी मैं जब गया तो सेम जो स्टोरी तुम दसी वो मैंने भी दसी सी। तो जोड़ा इलाज का तलक हैगा, मैं स्टाफ को पूछा, इंजैक्शन जोड़े से वह कहते असं टाइम से आकर लगाते रहे हैं। तो जी टेबलेट फॉर्म होंगी थोड़ी मेडिसिन उन्होंने को जिनी स्टॉक होंगे उस हिसाब से दे देंगे, अदरवाइज असी मेडिसिन जी डिस्पेंसरी उन्होंने इशू करवा के रूटीन दे देने। अज भी उस रूटीन के मैं उन्होंने मेडिसिन इशू करवा के देती सी। मेरा नाम है अमरजीत कौर, पिंड माछी जो रहने वाली हाँ। घटना मेरे पुत्र 2:30 बजे मेरे पुत्र पै गया। मैं सीधिया गलां झूठ नहीं, मैं मारना, मैं गुरु घर वाली हाँ, मैं अमृतधार हाँ। मेरा पुत्र किसी रिश्तेदार आया सी, किसी जी जो कि शराब की बोतल लैन गया सी रिश्तेदार वास्ते। ये अगो मुंडे ने आख्या इन्हें मोटरसाइकिल लाया इस रुख का, इन्हें मुंडे ने मेरे ने हॉर्न मारिया भी मोटरसाइकिल साइड से कर लाए, इन्हें मोटरसाइकिल नहीं साइड से किया। फिर मेरे मुंडे ने कोल जाके आख्या भी वीर जी मोटरसाइकिल साइड से कर लो। भाई मेरा नाम गुरपाल सिंह, पिंड मेरा भाजी चक पत्ती है भाजी कबीरपुर के कोल। तो भाजी मैं डेली रूटीन के जिम आना वा रोज ही। तो भाजी ये मैं इधर द आ रहा वाया मूसवाल तो म्याणी, म्याणी तो माछी जो आ साइड। तो भाजी मैनू जिम चो मुंडे का फोन आया वा, तू आया नहीं हजे। भाजी मैं फोन चक्कन दे ली रुकया वा उत्थे। तो भाजी ये बंदे ने भाजी ड्रिंक बहुत ज़्यादा की हुई सी, इन्हें भाजी गड्डी मेरे विच मारी आ। इस बंदे ने आके तो गड्डी मार के भाजी मैं डिग्गया वा, तो भाजी मेरे लैगामेंट से सट लगी आ भाजी, पर मैं उठ गया वा मोटरसाइकिल नूं हत्थ पा के। लुधियाना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता जगबीर सिंह सोखी ने राजावरिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बिना अनुमति के लोगों के घरों के बाहर दीवारें लगा दी हैं। मीडिया के माध्यम से कहा कि राजावरिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बताते चलें कि लगातार लुधियाना में विवाद छाया हुआ है, प्रशासन ने उचित कार्रवाई की भी जो मांग है वो की जा रही। राजावरिंग के पोस्टर पर यह विवाद खड़ा हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जगबीर सिंह सोखी ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। दरअसल पोस्टर्स को लेकर यह विवाद गरमाया हुआ है। चोन कमीशन दियां हदायतां ने कि अगर तुसी किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी से अपनी कोई एडवरटाइजमेंट लाउणी है चोणां दौरान, तुहानू उहदे कोलों परमिशन लैनी जरूरी है। असी श्रोमणी अकाली दल वालों जिथे भी कितें अपने बोर्ड ला रहे हैं, असी बकायदा उस परिवार कोलों आधार कार्ड लैके उहदी सहमति पत्र लैके ला रहे हैं। ये सिख कौम की कातल जमात कांग्रेस, असी 40 साल पहला किया जुल्म भुले नहीं जो साढ़े नाल होया। फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।